इलाहाबादी अमरूद सिर्फ प्रयागराज ही नहीं बल्कि देश दुनिया में मशहूर है। संगम नगरी प्रयागराज की धार्मिक पहचान जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी से होती है, तो आर्थिक पहचान यहां के अमरुद हैं, जो अपनी मिठास और गुणवत्ता की वजह से पूरे देश और विदेश में अपनी अलग पहचान रखते हैं। यहां का अमरूद बाहर से सेब की तरह लाल दिखता है, तो अमरूद काटने पर अंदर से लाल दिखता है। अंदर और बाहर से लाल दिखने वाले इस अमरूद का स्वाद में चीनी जैसे मीठा होता, इस मिठास की वजह भी गंगा और यमुना नदी बताई जाती है। प्रयागराज अपने अमरूदों के लिए पूरे देश और दुनिया में मशहूर है। यहाँ के सेबिया, सफेदा और अन्य वैरायटी के अमरूदों की महक पूरे देश के कोने कोने के साथ ही विदेशों तक में भी फैली हुई है। अमरूदों का सीजन यहाँ पर नवंबर से शुरू हो जाता है और दिसंबर आते आते यहाँ अमरूदों की खुशबू छाने लगती है। लोग अमरूदों के औषधीय गुणों के चलते भी इसका भरपूर सेवन करते हैं। प्रयागराज के अमरूद में सबसे ज्यादा डिमांड सुरखा या सुरखाब अमरूद की है। इसकी पहचान अपनी विशेष लाल रंगत और लाजवाब स्वाद की वजह से होती है। बाजार में सबसे ज्यादा इसकी डिमांड रहती है। संगम नगरी का यह इलाहाबादी अमरूद देश दुनिया में लाल रंग और मिठास की वजह से अपनी अलग पहचान रखता है। गंगा यमुना के बीच की धरती पर पैदा होने वाला यह इलाहाबादी अमरूद यहाँ की मिट्टी की वजह से अंदर और बाहर से लाल रंग का होता है। लाल रंग का दिखने और स्वाद में मीठा होने की वजह से इस अमरूद की डिमांड देश भर में ही नहीं है बल्कि दुनिया भर में है। प्रयागराज के बाजार में इन अमरूदों को खरीदने वालों की भीड़ लगी रहती है। प्रयागराज में बिकने वाले इस अमरूद को लोग खरीदकर दूसरे राज्यों और प्रदेशों में रहने वाले लोगों को भी भेजते हैं। यही नहीं, बहुत से लोग इस अमरूद को उपहार के रूप में भी ले जाकर देते हैं। इसी के साथ ठंड के मौसम में अमरूद की बिक्री से दुकानदारों की भी अच्छी कमाई भी होती है।